इन चीजों से क्या होता है ना, एक तो आपको दिन में कर रहे हो उससे थोड़ा डिटैचमेंट होगा आपका, आपका एंटरटेनमेंट थोड़ा हो सकता है, और एक एंटरटेनमेंट कभी रिस्की नहीं होता, समझ गए, फालतू में आप घूमते रहोगे इधर उधर, उससे बेटर है प्रोडक्टिव चीज कर लो। और दूसरी चीज होती है इससे आपको लाइफ के लिए कुछ अच्छा मिलता है, जब बड़े लोगों के बारे में सुनोगे, बड़े लोगों के बारे में पढ़ोगे, तो ये तो आपकी एक स्टेज है ना एस एस सी का एग्जाम, एक एग्जाम अगर आपका क्लियर हो गया तो लाइफ बहुत ज़्यादा है उसके आगे, उसके आगे सभी लाइफ खत्म हो गई है, ये तो आपका इमीडिएट टारगेट है। तो बड़े टारगेट के लिए आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है चीज़ से, ठीक है ना। ट्वेल्थ में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी परसेंटेज 70 से कम है, 70% से कम परसेंट है, 65 से कम है, तो मैं भी 65 से कम वाले लोगों में, ठीक है। ग्रेजुएशन में कितने लोग हैं जिनकी परसेंट 70 से कम है, 65 से कम है, मैं भी 65 से कम वाले लोगों में। बाकी मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैसेज क्लियर है ना, कहीं भी आपका बैकग्राउंड आपकी प्रेजेंट की स्टेज को इफेक्ट नहीं करेगा, बशर्ते आप सही तरीके से सही मेहनत के साथ अपने आप को दोबारा सामने लगा दो। हार्मोन सबके इंपॉर्टेंट होते हैं, 12वीं क्लास को ग्रेजुएशन में सबके हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं, आपके हार्मोन ने किया था, मेरे ने भी किया, ठीक है, लेकिन उन हार्मोन को वहां पे बंद कर दो। अब आप बात आपके करियर पे आ चुकी है, बात आपके लाइफ पे आ चुकी है, अगर वो भी आपके हार्मोन प्ले करते रहे ना तो मैं बता दूंगा कॉम्पिटिशन किसकी से आगे किसमें होता है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का जवाब देता हूँ, फेसबुक पे मैसेजर का मैसेज कर सकते हैं, या कोई अगर ट्विटर फॉलो करता है तो केतन गर्ग लिखी ट्रिपल जीरो। चलो ऑल द बेस्ट वंस अगेन।